हाय दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक हाइग्रोमीटर एंड थर्मोमीटर। तो ये एक मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मेजर करता है आपके आपके आसपास का टेम्परेचर और साथ ही उसकी ह्यूमिडिटी, और आपको टाइम भी बताता है। इसमें इनबिल्ट क्लॉक भी है। पर इस इंस्ट्रूमेंट की एक अच्छी बात ये है, मतलब रूम का टेम्परेचर या कह लीजिए आपके आसपास का टेम्परेचर प्लस आपके घर के बाहर का भी टेम्परेचर बताता है। तो इसमें दो हाइग्रोमीटर्स हैं, एक्चुअल में इनबिल्ट हैं। तो आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो पहले तो हम देख लेते हैं कि है इसकी पैकिंग। ये मुझे अभी मैंने अमेजन से परचेज़ किया था और मुझे करीब 399 का पड़ा था। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अगर आपको ये अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप इस चीज़ का परचेज़ कर लेना, ठीक है। तो आइए हम इसको ना इसके इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसको काटते हैं। तो चूँकि इसको मैं ही शूट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं इसके जो टेप्स हैं इसको मैं काटता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैंने इसे सीजर से इसको काट लिया, इसके टेप को जो है वो रिमूव कर दिया। और अब चलिए आइए हम निकाल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। पैकिंग तो इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे लगता है इसको ये कुशनिंग के लिए दे रखा है, ये कुशन के लिए ये था। और आप सब देख सकते हैं इसके अंदर ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक हाइग्रोमीटर। थोड़ा सा मुझे निकालने में से प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं ही अकेला हूँ शूट कर रहा हूँ इसे। और देखिए इसके अंदर बॉक्स में ये भी है इसके। ओके, तो देख सकते हैं आप, ये इसके साथ इसका इनवॉइस है, ठीक है। इसको मैं किनारे रखता हूँ। और ये इसकी पैकिंग है, इस तरह से देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी ये पॉलिथीन की पैकिंग है। तो आइए हम इसको खोलते हैं, खोल के देखते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने इसको खोल लिया, ठीक है। और इस तरह से अच्छी पैकिंग आई है, हम इसकी पैकिंग देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब पैकिंग में भी काफ़ी, मतलब इसकी पैकिंग काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब इसको हर चीज़ से बचाती है। चाहे अगर ये पानी में भी, अगर कहीं अगर ट्रांसपोर्टेशन के समय या बारिश हो रही, कुछ हो रही, तो भी उससे बचाती है। तो काफ़ी इसकी पैकिंग हार्ड है, काफ़ी अच्छी है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये इसके बारे में लिखा हुआ है, इसका मैनुअल है और इसका ब्रांड है एपटेक डील्स। और इसमें अच्छा, इन्होंने एक बैटरी भी दे रखी है। और ये इसका लुक है, ठीक है। क्लॉक ह्यूमिडिटी HTC2 डिजिटल थर्मामीटर एंड हाइग्रोमीटर। और एक केबल जैसी दिख रही है, मे बी मुझे लगता है कि शायद ये सेंसर होगा मोशाले। चलिए हम इसको खोलते हैं, खोल के देखते हैं। तो मैं ना इसको पैकिंग खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी पैकिंग खोल दी, ठीक है। इसको खोलना बहुत ईजी है एक्चुअल में, ये देखिए। और ये रही हमारी वॉच। अरे वाह, हम वॉच कह सकते हैं या हाइग्रोमीटर कह सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए, बिकॉज ये मल्टीपर्पज़ है। ओके, सो ये है। और ये वायर जो है, ये आपका सेंसर ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो दे रखा है, ये जो है इसका सेंसर है, ठीक है। तो ये सेंसर है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो बैटरी दे रखी है, हम इसको बैटरी लगा के फिर चेक करते हैं। ओके, सो मैं बैटरी लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ, पर बैटरी लगाने से पहले मैंने आपको एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ कि इसके साथ और क्या क्या था। ये तो आपका था मैनुअल था, ठीक है। ये जो है, ये मैनुअल है। उसके बाद ये आपकी बैटरी है, जो कि कंपनी से आपको मिलती है। और फिर ये जो है, ये जो है इसका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और बेसिक फंक्शंस क्या क्या है इसके, इंग्लिश लैंग्वेज में ऑपरेशन मोड्स। और इन्होंने ये इसके साथ दे रखा है एक सक्शन कैप होती है, जिसको आप मे भी अगर दीवार पे चिपकाना चाहें इसको लगा के, तो आप इसको ये कर सकते हैं। ये इसका शायद पर्पस इसलिए दे रखा है। तो मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ बता दूँ। अब चलिए मैं इसके अंदर बैटरी डाल के फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने ना इसका इसका ये पीछे इसके जो कैप होती है, ढक्कन होता है, उसको मैंने खोल दिया और मैं इसके अंदर भी इसको डालने जा रहा हूँ, इसके सेल को।
देखिए सेल को मैंने डाल दिया, देखें ऑन हुआ, देखिए ऑन हो गया ये। तो एक मिनट मैं इसको ना फिट कर लेता हूँ पहले। और यहाँ पे देखिए इसके लिए स्टैंड है, एक स्टैंड को हम खोल लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी स्टडी करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लिखा हुआ है, इन का मतलब इनसाइड का टेम्परेचर एंड आउट मतलब आउटसाइड टेम्परेचर। इसको रुकिए मैं थोड़ा सा सही लगाता हूँ, सही जगह पर रखता हूँ जिससे आपको सही से दिखे। मे भी शायद इस समय सही से दिख रहा होगा, हाँ शायद आपको यहाँ पे सही से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं इन मतलब हो गया कि अंदर का टेम्परेचर, और आउट मतलब कि टेम्परेचर जो सेंसर डिटेक्ट करेगा। और अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी 81% है और टाइम 12:01 बना रहा है, तो इसको हम सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ सेंसर काम कैसे करता है। देखिए ये रहा इसका सेंसर, अब मैं इसको टच करूँगा ना तो आप देखना इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि मेरी बॉडी टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगी उससे। देखते हैं काम करता है कि नहीं, देखिए 31.8 हो गया। थोड़ा सा डिले है इसमें 33.3, तो देख रहे हैं आप इस तरह से कर रहे हैं काम। अब आइए हम इसको ना एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, इसके टाइम चेंज करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए जो मोड वाला बटन है ना उसको हमें थोड़ी देर के लिए दबाना पड़ता है। जैसे दबाया तो अब ये ब्लिंक करने लगा, तो हम इसमें मिनट सेट कर सकते हैं। तो अभी देखें क्या मिनट है, अगर मैं देखूँ तो 1:25 हो रहा है मेरे यहाँ पे। तो मैं पहले इसको ना 25 तक कर देता हूँ। ठीक है, और फिर आप दोबारा एडजस्ट दबाएंगे तो फिर आर वाला चेंज होने लगेगा। 1 बज रहा है, मुझे अभी AM दिखा रहा है तो मुझे PM में करना है, दोपहर का टाइम है। ये हो गया, फिर एक मोड करेंगे, फिर इसमें आपके 12 आर फॉर्मेट में है या फिर AM PM में, तो मैं 12 आर फॉर्मेट में रखता हूँ। अब देखिए डेट, ठीक है, तो आज डेट मान लो सपोज 22 है, मंथ सितंबर। अच्छा वो अलार्म था, ये एक्चुअल में डेट है। ये आप देख सकते हो सेट हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि अलार्म वाला एक बना हुआ है, ये दिख रहा है ये अलार्म के लिए। तो इसको मैं गायब कर सकता हूँ क्या? चला गया ये, अब देखिए चला गया। तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये मतलब मल्टीपर्पज़ एक तरह से कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें आपको टेम्परेचर का भी पता चलता है और ह्यूमिडिटी का पता चलता है। पर इसमें अच्छी बात यह है कि आपको दो जगह का, दो चीज़ों का टेम्परेचर पता चलेगा, एक तो आपके अंदर के कमरे का और एक आपके कमरे के बाहर का। तो कमरे के बाहर का टेम्परेचर पता करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके खिड़की है आसपास, ठीक है, तो आप खिड़की में इसको सेंसर चिपका सकते हैं, तो आपके ग्लास का जो टेम्परेचर होगा लगभग वही आसपास का टेम्परेचर होता है, तो उस ग्लास का टेम्परेचर को डिटेक्ट करके आपको बाहर का टेम्परेचर बता देगा, और अंदर का टेम्परेचर इसके अंदर का जो इनबिल्ट सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेगा, और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आपके अंदर की होगी। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से, ये देख सकते हैं कि मल्टीपर्पज़ काफ़ी अच्छा है देखने में, इसका डिस्प्ले भी काफ़ी पावरफुल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखने में, और मुझे भी लगता है कि शायद आपको भी पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और काफ़ी सस्ता इस समय, तो आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।